गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू SBS इंग्लिश क्लासेस। आइए शुरू करते हैं। सरस्वती टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021-22। ये पेपर 2021-22 का है, सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा, क्लास 8th। इसका टाइम 2.5 घंटे का होता है, सब्जेक्ट इंग्लिश, और इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100। नोट, ध्यान दें, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस अनिवार्य हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर देम। क्वेश्चंस को सावधानीपूर्वक स्टडी करना है, पढ़ना है और उनके उत्तर देने हैं। डियर गाइज, ये 8th क्लास का इंग्लिश का पेपर है और ये जीके से भरपूर है, हमारी जीके को ये बूस्ट करेगा। और वीडियो को अंत तक देखें, यह पेपर न केवल 8th क्लास का है बल्कि ऐसा है जो सभी कक्षा के लिए, सभी क्लासेस के लिए, सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट सिनोनिम फॉर हेल्प इज, यानी हेल्प के लिए हमें सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची लिखना है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा हेल्प का सिनोनिम है उसे हमें टिक करना है। हेल्प का मीनिंग होता है सहायता या सहायता करना, ना ये नाउन और वर्ब दोनों होता है। एड सहायता या सहायता करना, नाउन और वर्ब दोनों है। आंसर उत्तर देना, ब्रेव बहादुर, फ्रेश ताज़ा। तो हेल्प का इसमें सिनोनिम है वह ए है, एड। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पर्सन इज, जो नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें फर्स्ट पर्सन कौन सा है। ए ही, बी वी, सी शी, डी इट। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट्स वह बी है, वी होगा इसका फर्स्ट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पर्सन इज, इसमें पर्सन की जानकारी की जा रही है प्रोनाउन के बारे में। ए दे सेकंड पर्सन है, बी वी सेकंड पर्सन है, सी यू सेकंड पर्सन है, डी आई फर्स्ट, आई जो है सेकंड पर्सन है। तो इनमें कौन सा सेकंड पर्सन है ये हमें टिक करना है। हमारा सेकंड पर्सन है यू, सी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पर्सन इज, इन 4 विकल्पों में से थर्ड पर्सन कौन सा है। ए आई, बी वी, सी यू, डी सी। तो इसमें थर्ड पर्सन है डी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये सेंटेंस दिया हुआ है, क्या पूछता है इसमें। व्हाट इज द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है। ए लेटर इज रिटन बाय मी, ए इज बाय मी। तो जो ए में है ये तो आर्टिकल है, ये वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रीपोजिशन है इसमें वह है ये है बाय। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज ए ब्लैक बॉय,
इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव शब्द कौन सा है, इज एडजेक्टिव है नहीं, ये वर्ब है, बॉय ये नाउन है, सी ए ये आर्टिकल है, डी ये एडजेक्टिव है, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, ये बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7, दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वे कल दिल्ली गए, व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, चार विकल्प में दे रखी है, ए टू, बी दिल्ली, सी वेंट, डी यस्टरडे। ये तो प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, वेंट वर्ब है और यस्टरडे टाइम है, तो इसमें जो वर्ब है वह सी है, वेंट। क्वेश्चन नंबर 8, राम हैज गॉन टू हिज विलेज, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस, राम हैज गॉन टू हिज विलेज में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, देखते हैं चार विकल्पों में से, ए गॉन ये मेन वर्ब है, बी हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, सी हिज ये राम का पजेसिव है, यहाँ पर थर्ड पर्सन में आता है, ही का पजेसिव है, डी ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो हेल्पिंग वर्ब है बी हैज। नंबर 9, द डॉग रन्स वेरी फास्ट, इस सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण, ए रन्स, बी डॉग, सी वेरी, डी फास्ट। तो स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, या वर्ब की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, तो इसमें जो एडवर्ब है वह सी है, वेरी, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री होता है। नंबर 10, रवि एंड मोहन आर प्लेइंग, रवि और मोहन खेल रहे हैं, व्हाट इज द कंजक्शन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है, कौन सा है, ए इन ये प्रीपोजिशन है, बी आर ये हेल्पिंग वर्ब है, सी एंड ये कंजक्शन है, एंड डी प्लेइंग ये मेन वर्ब है, तो ये इसमें हमसे पूछा गया है कंजक्शन, तो गाइज कंजक्शन है सी एंड। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड टॉमी रेफर्स टू, जो टॉमी शब्द है ये किसकी ओर संकेत करता है, फ्रेंच सोल्जर, बी ब्रिटिश सोल्जर, सी इंडियन सोल्जर, डी चाइनीज। तो गाइज ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसका जो सही विकल्प है वह बी है। क्वेश्चन नंबर 11, मीनिंग ऑफ मडल हेडेड इज, मडल हेडेड का मीनिंग क्या है, इंग्लिश ट्विंग्स पूछा गया है, तो मडल हेडेड मीन्स होता है भ्रमित हुआ, जिसकी समझ में नहीं आती है क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसे हम कहेंगे कन्फ्यूज्ड, तो इसमें ए है सफर्ड, पीड़ित या सहन किया हुआ, माइंडेड विद्वान, कन्फ्यूज्ड भ्रमित, एडमायर्ड प्रशंसा की। तो मडल हेडेड का जो सिनोनिम है या अर्थ है इंग्लिश टू इंग्लिश वह सी ऑप्शन होगा, कन्फ्यूज्ड। नंबर 13, भारत रत्न इज, भारत रत्न
है क्या है? ए बुक, एक किताब है। बी नेम, कोई नाम है। सी अवार्ड, कोई पुरस्कार है। डी पोयम, ये कोई कविता है। तो भारत रत्न स्टूडेंट्स, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, अवार्ड है, इनाम है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, द राइमिंग वर्ड फॉर क्राइंग इज, जो क्राइंग वर्ड है इसका तुकांत शब्द, ऐसा शब्द जिसमें क्राइंग, जिसमें इंग आ रहा हो, तो क्या है? फ्लाइंग, माइन, साइन, नाइन। तो इसके अंत में आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी लिखा हुआ वर्ड ही इसका राइमिंग वर्ड होगा। तो वह आईएनजी लगी हुई है फ्लाइंग में, इसका राइमिंग वर्ड है फ्लाइंग। माइन पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन है। साइन वर्ब है चमकना, और नाइन नो, सब कुछ जानकारी होगी। नंबर 15, हु गेव ए 50 रुपी नोट टू रोहित, रोहित को 50 का नोट किसने दिया? ये टेक्स्ट बुक से संबंधित है, इंग्लिश की बुक जो है टेक्स्ट बुक। ए फादर, बी मदर, सी मोहिनी, डी हिज फ्रेंड। तो रोहित को जो 50 का नोट दिया था वो उसके पिता ने दिया था। नंबर 16, हुर्रा वी हैव वन द मैच, व्हाट इज इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। हुर्रा वी हैव वन द मैच, इस सेंटेंस में जो इंटरजेक्शन है जिसे हम कहते हैं विषमबोधक शब्द है, वो कौन सा है? हैव वन हुर्रा मैच, तो जो इसमें इंटरजेक्शन है वह हुर्रा है, सी ऑप्शन सही है इसका। नंबर 17, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग, निम्नांकित शब्द में कौन सी सही स्पेलिंग है? पी ए टी आई ई एन टी, पी ए टी आई ई एन टी ई, पी ओ टी आई एन टी आई ई एन टी, पी ई टी आई ई एन टी। तो जो पेशेंट की सही स्पेलिंग है वह ए है, पी ए टी आई ई एन टी। नंबर 18, ए पर्सन हु कैन नॉट सी, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे क्या कहेंगे? डम गूंगा, डीफ बहरा, ब्लाइंड अंधा, लेम लंगड़ा, ये अपाहिज। तो जैसा है कि एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे ब्लाइंड कहेंगे, अंधा, सी ऑप्शन सही है। नंबर 19, विच इज द ओड वर्ड इन द फॉलोइंग सीरीज, इस निम्नांकित सीरीज में चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक भिन्न शब्द कौन सा है? टेबल, चेयर, बेंच, स्पून। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेबल, चेयर, बेंच एक कैटेगरी के, एक ग्रुप के शब्द हैं, स्पून अलग ग्रुप की है, खाना खाने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन है स्पून, क्योंकि ये भोजन ग्रहण करने के लिए प्रयोग की जाती है। टेबल, चेयर, बेंच ये सब एक ग्रुप की हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अग्नि आकाश पृथ्वी नाग आर दी, यानी कि अग्नि आकाश पृथ्वी नाग क्या हैं? ट्रेन्स के नाम हैं, गन्स, मिसाइल्स, स्टेशंस। तो स्टूडेंट्स, ये मिसाइल्स के नाम हैं, जो भारत की मिसाइल हैं अग्नि आकाश पृथ्वी नाग, ये सब मिसाइल के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रीज गिव अस, पेड़ हमें देते हैं क्या? आयरन लोहा देते हैं, स्टील स्टील देते हैं, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन देते हैं, कॉपर कॉपर देते हैं, तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। 22 दी बुलंद दरवाज़ा इज इन, बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पर है, लखनऊ में, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, जयपुर। तो गाइज बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, इसका बी ऑप्शन सही है। 23 व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फील, फील की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म क्या है, एफ ए यू एल टी फॉल्ट, नहीं, फॉल्ट मीन्स तो दोष होता है, फील मीन्स होता है अनुभव करना, महसूस करना, फील मीन्स महसूस करना, अनुभव करना, एफ डबल ई एल टी ये भी नहीं होगी, एफ ई एल टी फेल्ट, एफ यू एल टी फुल्ट, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है और सही है वह सी होगी, एफ ई एल टी। 24 द कुतुब मीनार इज इन, कुतुब मीनार है कहाँ पर है, मुंबई में, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। 25 माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी इज कॉल्ड, यानी माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी को कहा जाता है या कहते हैं, क्या कहते हैं, बापू, चाचा, गुरुजी, नेताजी। तो माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी को गुरुजी कहा जाता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वितीय सर संघ चालक रहे। 26 हु इज द वुमेन हु डाइड इन द पोयम, यानी कि वह महिला कौन है जो पोयम में मर गई, तो ये टेक्स्ट बुक से संबंधित है, 8th क्लास की, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आंटी, अंकल, तो वह महिला जो पोएम में मरी है वह ग्रैंड मदर है, इसका ऑप्शन है बी सही। 27 हु लाफ्ड एट आशीष इन द स्कूल, स्कूल में आशीष के ऊपर कौन हंसा या किसने आशीष की मजाक उड़ाई स्कूल में, ए ऑल द सीनियर्स सारे बड़े छात्र, ऑल द जूनियर्स सारे छोटे छात्र, ऑल द टीचर्स सारे टीचर्स, ऑल द सीनियर्स एंड जूनियर्स सारे बड़े, आशीष से बड़े छात्र भी और छोटे छात्र भी, छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र भी यहाँ से, तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑल द सीनियर्स। 28 ए वाटर बर्ड दैट लिव्स इन मार्शेस इज, वह जल पक्षी जो दलदल में रहता है कौन सा है, काऊ, गाय रहती है, ए बटरफिश, ए स्नी, ए स्पैरो या गौरैया, तो जो जल पक्षी है और जो दलदल में रहता है वह बटरफिश है, सही ऑप्शन है बी। 29 ए फ्लावरलेस प्लांट विद फेदर ग्रीन लीव्स इज कॉल्ड, एक पुष्पहीन पौधा जिसे पुष्प नहीं आते, फूल नहीं आते हैं, बिना फूल वाला पौधा विद फेदर ग्रीन लीव्स जिस पर हरे पंख के समान पत्तियां होती हैं इज कॉल्ड कहा जाता है, यानी कि ऐसा बिना पुष्प का पौधा जिस पर पंख के समान हरी पत्ती होती हैं क्या कहते हैं उसे, लिली, फर्न, मैरीगोल्ड, स्टर्न, मैरीगोल्ड कहते हैं गेंदे को, स्टर्न कठोर और हिप्स को भी स्टर्न बोलते हैं, लिली कुमुदनी होती है। तो ये जो फ्लावरलेस प्लांट विद
फैदर ग्रीन लीव्स होता है वो फर्न होता है। इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटल? ओरिएंटल से आप क्या समझते हैं? ओरिएंटल का क्या मीनिंग है? ए कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट, सुदूरवर्ती पूर्वी देश, बी कंट्रीज ऑफ द फार वेस्ट, सुदूरवर्ती पश्चिम के देश, कंट्रीज ऑफ द फार साउथ, सुदूरवर्ती दक्षिण के देश, डी कंट्रीज ऑफ फार नॉर्थ, सुदूरवर्ती उत्तर के देश। तो ओरिएंटल का जो मीनिंग होता है वह है ए कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट। पूर्वी देशों को, पूर्व की दिशा के देशों को ओरिएंटल कहा जाता है। 31 है क्वेश्चन नंबर, पद्म विभूषण इज एन, पद्म विभूषण है क्या है? अवार्ड पुरस्कार है, नेम नाम है, बुक किताब है, पोयम कविता है। तो पद्म विभूषण जो है एक अवार्ड का नाम है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, भारत की कोकिला कहा जाता है किसे? इंदिरा गांधी, बी मेनका गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी प्रतिभा देवी। तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर, गुलाबी शहर इज, गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी है क्या है? दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई। यानी कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, हवा महल इज इन, हवा महल है कहाँ पर है? दिल्ली में, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई। तो जो हवा महल है वह जयपुर में है, सी ऑप्शन सही है। 35, द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो कौन है? कस्तूरबा, आनंदीबेन पटेल, सोनिया, मायावती। तो स्टूडेंट्स ये तो गवर्नर हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ये आनंदीबेन पटेल है। क्वेश्चन नंबर 36, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ए 15 अगस्त को, बी 26 जनवरी को, सी 1 मार्च को, डी 25 दिसंबर को। तो जो हमारा रिपब्लिक डे है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी वोवेल्स आर देयर, वोवेल्स कितने हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 7। तो कितने वोवेल्स हैं? 5, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, वेल डन इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस, वेल डन एक प्रकार का सेंटेंस है, कैसा है? सिंपल, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी जेंडर्स आर देयर, जेंडर्स जिन्हें हम लिंग बोलते हैं कितने होते हैं? ए 5, बी 6, सी 3, डी 4। तो स्टूडेंट्स हमारे जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। क्वेश्चन नंबर 40,
हाउ मैनी नाउन्स आर देयर, नाउन कितने होते हैं? ए टू, बी फोर, सी फाइव, डी सिक्स। जो नाउन के प्रकार हैं वो कितने होते हैं? फाइव होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पांच नाउन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। आई इज ए, आई है, देखिए आई के साथ मोस्टली बी फॉर्म में, प्रेजेंट में एम आता है, पास्ट में वाज आता है, ठीक है, लेकिन आई के साथ इज का भी प्रयोग होता है। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पर दे रखा है आई इज ए, आई क्या है? ए नाउन, बी प्रोनाउन, सी वर्ब, डी एडजेक्टिव। तो आई क्या है? ये प्रोनाउन है, आई इज ए प्रोनाउन। इस प्रकार से आई के साथ इज का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 42। शुरू में खाली दे रखा है, डॉट डॉट, गेट्स अप एट 4 o'clock, 4 बजे उठता है। तो यहां पर हमें प्रोनाउन भरना है, कौन सा सही है? ए ही, बी यू, सी आई, डी वी। देखिए गेट्स अप आ रहा है तो यू प्लूरल नंबर में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता है। इस फर्स्ट फॉर्म में गेट में एस लगा हुआ है तो इसलिए इसके साथ यहाँ खाली स्थान में ए आएगा, ही यहाँ पर मोस्ट सुटेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43। द बॉय डॉट डॉट सैंग ए सॉन्ग इज माई फ्रेंड, वह लड़का जिसने गीत गाया मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, कौन सा आएगा? ही, बी हु, सी वॉट, डी दैट। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला है वह हु होगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44। ही बॉट डॉट डॉट कार, इसमें आर्टिकल भरना है, एन ए दी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आने वाला है वह ए आएगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45। The bowl is made dot dot pure gold, कटोरा बना है शुद्ध सोने का। तो इसे प्रीपोजिशन भरनी है, इन, ऑन, ऑफ, विद। तो कटोरा शुद्ध सोने का बना है, किसी भी चीज के भौतिक निर्माण में या किसी चीज़ का भौतिक निर्माण होता है तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है और रासायनिक परिवर्तन होता है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गोल्ड से बाउल बन रहा है तो केवल भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो प्रीपोजिशन ऑफ आएगी, सी। क्वेश्चन नंबर 46। वाज इज ए, वाज है, क्या है? ए वर्ब, बी एडवर्ब, सी नाउन, डी एडजेक्टिव। तो वाज वर्ब है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47। सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टैंड इज, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म क्या है? स्टूडेंट्स हमें वर्ब की फॉर्म्स भी अवश्य याद करनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स अंग्रेजी की एक प्रकार से जड़ होती है, रूट होती है, तो वर्ब की फॉर्म हमें जरूर याद करनी चाहिए। वैसे तो या तो सब कुछ करना है हमें जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ए स्टैंडर्ड, बी स्टूड, सी स्टेड, डी स्टूडेड। तो जो इसमें स्टैंड की सेकंड फॉर्म है वह बी होगी, स्टूड। नंबर क्वेश्चन नंबर 48।
आयरन मैन ऑफ इंडिया वाज, भारत का लौह पुरुष थे। भारत का लौह पुरुष कौन थे? ए गांधी, बी पटेल, सी नेहरू, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के लौह पुरुष थे वो पटेल जी थे, बी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, हरि एंड राम आर फ्रेंड्स डॉट डॉट, हरि और राम मित्र हैं। इसमें हमें एडवर्ब ऑफ टाइम भरना है, ए नाउ अब, बी देन तब, सी व्हेन जब, डी कैन, ये मॉडल है। तो हरि और राम अब मित्र हैं, प्रेजेंट में है तो नाउ ही आएगा, ए। यदि यहाँ पर आर होता तो देन होता है, लेकिन आर है तो नाउ ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, हिज सिस्टर डॉट 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 सिंगिंग अ सॉन्ग, उसकी बहन एक गीत गा रही है। तो इसमें वर्ब भरनी है हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब भरनी है आर, सिस्टर एक वचन है तो ये नहीं आएगा, एंड कंजक्शन है, वर्ब प्लुरल में आती है पास्ट में, ये भी नहीं आएगा, सिस्टर सिंगुलर है, डी इज, इसमें इज आएगा, इसका सही ऑप्शन है डी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की जीके से भरपूर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।